हमारा जो इधर ये मसला चल रहा है कुरुम तंगी डैम के हवाले से, हम बन्नू के आवाम डैम की मुखालिफत नहीं कर रहे हैं। ये बात पहले आपको बताता चलूं, ये डैम हमारे दरिया कुरुम पर बन रहा है और होना ये चाहिए था कि पहले हमारे इलाकाई लोगों को इस पर एतमाद में लेना चाहिए था, क्योंकि ये हमारे मालिकाना हकूक हैं इस पानी पर, दरिया कुरुम पर, और ये तीन जगह इस पर बंद दिया जा रहा है, पहले केतु के मकाम पर, फिर तंगी, फिर जरवाम। अभी रिसेंटली जब ये फेज़ वन मुकम्मल हुआ है केतु पर, इसके असरात अभी से पड़ना शुरू हो रहे हैं कि हमारा पानी बहुत कम हो गया है। कुरुम में तो है नहीं, हमारे कुछ कोट पर इसके बहुत ज़्यादा असरात, तकरीबन 70% पानी अभी से कम हो गया है। जब तंगी डैम बनेगा तो फिर ये तो बिल्कुल मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये आवाम, ये जो तहरीक शुरू है, सब आवाम बन्नू के ये कह रहे हैं कि हम डैम की मुखालफत नहीं कर रहे, लेकिन पहले हमारे अपने हकूक हैं। अगर हम खुद, हमारी ज़मीन बंजर होने की तरफ जा रही है, तो पहले तो हमारे हकूक का ख्याल रखना चाहिए था हुकूमत को। इससे हमारे बन्नू ज़िला पर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब होंगे, हमारी इंडस्ट्री पर, हमारे बट्टा खस्त इंडस्ट्री पर, हमारे क्रश इंडस्ट्री पर। हमारा जो ये पानी है कुरुम का, ये बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ पानी है, हमारा ज़मीन इतनी ज़रख़ेज़ नहीं है जितना ये पानी है। इससे हमारा जो जितने भी असरात इससे हमारे इलाके पर आएंगे, इसके मुताबिक, इसके नुकसानात के मुताबिक हुकूमत को इसका अजाला करना चाहिए। इससे 86 मेगावाट बिजली पैदा होगी सवाबी की तर्ज पर, हमें 10 मेगावाट बिजली इंडस्ट्री के लिए, हमें इंडस्ट्रियल जोन इधर देना चाहिए, फ्री और टैक्स फ्री इंडस्ट्रीज इधर बननी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे बन्नों पर मईशत के लिहाज से बहुत मनफी असरात मुरतब होंगे। तो उसके हवाले से इस पर काम होना चाहिए कि इसके नुकसानात को हम कम से कम कर लें। और इससे हमारे जो पड़ोस एरिया हैं, इससे करक को पानी दिया जा रहा है, लकी को पानी दिया जा रहा है, बिल्कुल अगर इजाफी पानी हो तो दे देना चाहिए, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे एक ही मुल्क है, इसका भी हकूक है कि उसको साफ पानी और इरीगेशन पर्पज़ के लिए पानी दिया जाए। लेकिन अगर वो पानी कम हो और वो हमारा खुद जो हमारी अपनी ज़रूरत हो पूरी ना कर सकें, तो हम अगर हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो तो हम और डिस्ट्रिक्ट को उसके बाद देंगे। लेकिन अगर हमारा पानी जो 1400 क्यूसिक हमारी अपनी ज़रूरत है, उसको तकसीम करके हमें 800 दे दिया जा रहा है, और 800 जो है वो डिस्ट्रिक्ट करक को और डिस्ट्रिक्ट लकी को तकसीम, तो इससे हमारे इलाकाई तनाज़ात इससे मुस्तकबिल में आएंगे, इससे हमारे, तो इससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी ख़राब होगी। हुकूमत को चाहिए कि हम बन्नू के लोगों को एतमाद में लें, इस पर बातचीत हो, हमारे नुकसानात कम से कम हो, हमें उसके मुतबादल सब्सिडी दें, अगर वो इंडस्ट्रियल के रूप से हो, अगर वो बिजली के तनासब से हो, लेकिन जो भी हो हमें इस फैसिलिटेट करना चाहिए। अगर हमें नुकसानात मिल रहे हैं तो हुकूमत को चाहिए कि हमें इसके मुतबादल फैसिलिटीज़ भी दें।